दोस्तों आज रूबरू कराएंगे भारत के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के बारे में। इस राज का पूरे भारत में अपनी अलग ही पहचान है। इसी राज में महात्मा गांधी, लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के रिचेस्ट स्टेट गुजरात के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान ली, गुजरात भारत के पश्चिमी भागों में स्थित है, जिसकी कुल आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। राज्य की राजधानी शहर गांधीनगर है, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हरियाली वाली जगहों में से एक है। यहाँ की हरियाली गांधीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दोस्तों इतिहास गवाह है, जिन्होंने बिजनेस को गले लगाया उसकी तरक्की आज आसमान की बुलंदियों को छुआ है। जी हाँ, उसी तरह गुजरातियों के रगों में बिजनेस स्किल्स दौड़ता है। इन लोगों का मानना है दूसरे के अंदर काम करने से अच्छा क्यों न खुद का बिजनेस खड़ा किया जाए, और यही वजह है गुजरात पूरी दुनिया भर में तीसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स बन गया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। इनकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि इसे भारत के पश्चिमी गहना कहना गलत नहीं होगा। वेल दोस्तों, गुजरात ने बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत को दिया है, जो न केवल भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में शामिल है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। जी हाँ, मुकेश अंबानी, अजीज प्रेम जी, दिलीप संघावी, गौतम अडानी, यह सभी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों आप लोग कह सकते हैं यह सब बात तो ठीक है, लेकिन गुजरात की अमीरी का आलम क्या है? तो हम आपको बताते चले, पूरी दुनिया भर में 80% हीरो की पॉलिश अकेले गुजरात के सूरत में होती है। मिल्क प्रोड्यूस करने में गुजरात अव्वल है। दुनिया भर में प्रसिद्ध मिल्क ब्रांड अमूल गुजरात में ही है, जिसका हेड ऑफिस गुजरात के आनंद जिले में स्थित है। नमक उत्पादन में गुजरात पूरे भारत में सबसे पहले स्थान पर है। संपूर्ण भारत का 70% नमक यहीं प्रोड्यूस होता है। रियल एस्टेट में गुजरात का अहमदाबाद पूरे भारत में सेकेंड पोजीशन पर पहुंच बना ली है। यह शहर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों कई चीजें हैं जिसमें गुजरात न केवल भारत में नंबर वन पर है, बल्कि पूरी दुनिया में नंबर वन पर है। आपको बता दें, विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी गुजरात के जामनगर शहर में स्थित है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित इस रिफाइनरी में प्रतिदिन 12 लाख बैरल तेल का शोधन होता है। इसके अलावा गुजरात में भारत का एक बड़ा पेट्रोकेमिकल हब भी है। हमारे देश के कुल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में से 60% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन अकेले गुजरात में होता है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में बसने वाले भारतीय आबादी में से 60% आबादी अकेले गुजरात से है। यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका में बसने वाले गुजराती का इनकम वहाँ बसने वाले अमेरिकी परिवार के इनकम से 3 गुना है। क्या बात है, वाकई में यह फख्र करने वाली बात है। आपको यकीन करना मुश्किल होगा, अमेरिका में मौजूद 17,000 से अधिक होटल के मालिक गुजराती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही गुजराती अमीर नहीं है, इसके सबूत भी पेश करते हैं कि हम सच में अमीर हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश गुजरात में ही होती है। यहाँ के बैंकों में तकरीबन 17,500 करोड़ का विदेशी निवेश धन जमा है। यही नहीं, गुजरात अगर एक देश होता तो कई यूरोपियन और एशियाई देश को पीछे छोड़कर दुनिया का 67वां सबसे रिचेस्ट कंट्री होता। दोस्तों गुजरात के अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो गुजरात की सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद है। हालांकि अहमदाबाद ही पहले गुजरात की राजधानी हुआ करता था, लेकिन बाद में 1960 में इसे चेंज करके गांधीनगर कर दिया था। गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट न केवल गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ तक कि ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा स्टेट से भी बड़ा है। दोस्तों गुजरात का इतिहास तकरीबन 2,000 वर्ष पुराना है। गुजरात समुद्रीय तटीय इलाके में बसे होने के कारण अनेकों विदेशी समुदाय का आगमन यहाँ हुआ, कई तो यहीं रहकर गुजरातियों में घुल मिल गए। दोस्तों गुजरात ने अपनी पावन भूमि पर कई महान पुरुषों को जन्म दिया है, जिसमें शामिल है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ तक कि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं। गुजरात भारत का सेफेस्ट स्टेट माना जाता है, यहाँ अपराध नाम मात्र ही होती है। इसके अलावा गुजरात में महिलाओं के प्रति अपराध न के बराबर होता है। गुजरात साफ सफाई में भी टॉप लेवल पर है, यहाँ गंदगी की नामो निशान तक नहीं मिलेगी। आपको बता दें, आज के दौर में दुनिया नॉन वेजिटेरियन की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में आज भी सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं। यहाँ की कुल पॉपुलेशन का 60% लोग वेजिटेरियन है। आपको बताता चलूं, दुनिया का पहला वेजिटेरियन सबवे और डोमिनोज आउटलेट गुजरात के अहमदाबाद में खोला गया था। यहाँ तक कि भारत का पहला वेजिटेरियन पिज्जा हट आउटलेट भी गुजरात के अहमदाबाद में ही खोला गया था। वेल गाइस, गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 1961 से ही शराब को बेचने और पीने पर पूरी तरह से बैन कर दिया। हालांकि आज के समय में बिहार भी भारत का ऐसा राज्य बन गया है जहां शराब पूरी तरह से बैन है। गुजरात में भारत के अन्य राज्य के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। यहां कुल मिलाकर 17 एयरपोर्ट है। इसका मतलब है आप गुजरात के किसी भी इलाके में बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं।
दोस्तों आज के दिनों में भी भारत के कई गांवों में बिजली कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है, लेकिन गुजरात अलग है। जी हाँ, गुजरात में कुल मिलाकर 28,000 गांव है और हर एक गांव में 100% बिजली सुविधा उपलब्ध है। खास बात है, इन गांवों में 2400 घंटा बिजली की उपलब्धता रहती है। तो दोस्तों यह रहा गुजरात के बारे में निचोड़ जानकारियाँ। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक बटन ठोक दीजिए। हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही जो दोस्त गुजरात से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा आप गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसे वीडियो से दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ली और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता ही रहूँगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।